हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज बहुत दिनों के बाद मैं सुबह 5 बजे उठी हूँ। मैं आपको सच बता रही हूँ, अदरवाइज़ मैं हमेशा इन दिनों 6 साढ़े 6 ऐसे उठ रही थी। लेकिन 2 दिनों तक ब्रह्मा कुमारीज आश्रम जाने के बाद मुझे लगता है कि मेरे अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी आ गई है, तो बस आज सुबह 5 बजे उठ गई थी। उठने के बाद सबसे पहले ब्रश कर लिया है और अब पी रही हूँ 1 गिलास पानी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करती हूँ वो सब कुछ दिखाने वाली हूँ। पानी पीने के बाद हम रेडी हो गए थे। रेडी होने के बाद हम जा रहे थे वॉक पे, क्योंकि आज सुबह उठे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि उसका मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो बस वॉक पर जा रहे थे और मेरी बहन वीडियो ले रही थी यहाँ पर, और यहाँ पर मैं उसको कह रही थी कि तुम भी इस वीडियो में देख सकती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो थोड़ा थोड़ा स्माइल भी कर रही थी। और हम दोनों बहन जा रहे थे वॉक पे, और आज मैंने बहुत ही सुंदर सनराइज़ देखा है जिसकी वीडियो मैंने ले ली है। और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे देखें और इसे एंजॉय कीजिए और थोड़ा पॉजिटिव फील करिए। वॉक से आने के बाद हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, और वॉक से आने के बाद मेरी बहन यहाँ पर चाय बना रही है। और आपको तो पता ही है कि मैं रोज़ चाय पीती हूँ। इनफैक्ट सिर्फ मैं नहीं, मुझे लगता है कि जितने भी झारखंड बिहार के लोग हैं वो हर दिन चाय पीते ही होंगे। और हमारी चाय दूध वाली चाय ही नॉर्मल होती है, और बाकी अदर स्टेट में सुबह सुबह लोग क्या पीते हैं मुझे नहीं पता। तो बस आज चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी था, क्योंकि आज हमने बहुत ज़्यादा इसमें इलायची ऐड किया था। और देखिए, चाय ये देखने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और इसके बाद मैं और मेरी बहन हम दोनों एंजॉय कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि 2 दिनों तक ब्रह्मा कुमारीज जाने के बाद या फिर मोटिवेशनल बुक पढ़ने के बाद यही चेंज आया मेरी लाइफ में कि अभी मेरे पास जॉब नहीं है, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि मोटिवेशनल बुक्स हमारी लाइफ में यही काम करती हैं। और अब मैं समझ पाई कि क्यों हर एक मोटिवेशनल ऑथर कहता है कि हर दिन एक बुक के 5 पेजेस पढ़िए। पहले मैं इसका सिग्निफिकेंस नहीं समझ पाती थी, मुझे लगता था कि बुक पढ़ने से क्या हो जाएगा, बुक पढ़ने से लाइफ में क्या चेंजेस आ जाएंगी। लेकिन नहीं, जब मैं 2-3 दिनों पहले बहुत ज़्यादा टेंशन में थी KVS PRT के रिज़ल्ट को लेकर, और कभी कभी बहुत नेगेटिव हो जा रही थी, और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि क्या होगा अगर KVS से BEd वालों को बाहर कर दिया जाएगा, तो एक्चुअली आप नेगेटिव होते हैं ना, तो सारे नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर एक साथ अटैक करते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, आप आगे क्या करें। और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन से मुझे बाहर कैसे आना चाहिए। फिर मुझे लगा कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि मैं भी तो आप में से ही एक हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए, और फिर धीरे धीरे मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। और फाइनली आज 2-3 दिनों के बाद मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैं ऐसी हो गई थी कि मैं सबके सामने तो नॉर्मल रहती थी, सबके सामने जब होती थी तो मैं सबसे बात भी करती थी, ऐसा नहीं है, बात भी करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ी टेंशन होती थी। और फिर जब मैं अकेले होती थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होता था, मुझे लगता था कि अब क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब फिर मैंने फाइनली अपने आप को थोड़ा टाइम दिया, और मैं आपसे इसलिए ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग मेरे जैसे कंडीशन में होंगे अभी, क्योंकि मुझे हर दिन इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं। आप मेरी लास्ट वीडियो के कमेंट को भी जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग लिखते हैं कि दिल लग रहा है कि अब लाइफ ख़त्म हो गई है। तो यस, इट हैपन्स विद अस समटाइम्स, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ्स एट दैट टाइम, एंड दैट इज़ वॉट आई डन। मैंने भी अपने आप को थोड़ा समझने की कोशिश की कि मुझे अभी ज़रूरत किस चीज़ की है, क्यों डीमोटिवेटेड फील कर रही हूँ, क्या करने से मोटिवेशन आएगा। तो जब मैं इन सब बातों पर मैंने ध्यान दिया, थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड किया, और ऐसा मेरे साथ इसलिए भी हुआ ना क्योंकि मैं सुबह उठकर जो 1 घंटे का टाइम खुद को देती थी वो मैंने देना बीच में छोड़ दिया था। लेकिन मैंने दोबारा से अपना वो रूटीन स्टार्ट किया, सुबह उठने के बाद 1 घंटा मैंने खुद को दिया, थोड़ा सोचा समझा,
तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, ये मेरी एक इमोशन है और इस इमोशन को मैं आराम से ओवरकम कर सकती हूँ, बस मुझे थोड़ी सी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। और मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी मैं डीमोटिवेटेड फील करती हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी का सहारा लेती हूँ तो वो है भगवान। हे गाइज, फाइनली आई एम रेडी टू गो टू द ब्रह्म कुमारीज आश्रम राइट नाउ एंड दिस इज माई सेकेंड डे एंड टूडे दे हैव आस्क्ड टू ब्रिंग अ नोटबुक विद मी, सो आई हैव जस्ट टेकन दिस नोटबुक एंड आई थिंक दे विल आस्क अस टू मेक सम नोट्स, सो लेट्स सी व्हाट्स हैपन एंड वट एवर आई विल राइट इन दिस आई विल शो यू ओके इन द एंड ऑफ द वीडियो। हम सबके साथ लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होता है जब हम ये फील करते हैं कि अब पता नहीं लाइफ में आगे क्या होगा। इट्स ओके, ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज़ टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, ऑल यू नीड इज़ टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस। जस्ट अंडरस्टैंड योर सेल्फ, गिव टाइम टू योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। इट इज़ ओनली एंड ओनली यू who can change your life. We cannot spend our whole life telling that I am this because of him, I am this because of her. This is not the way. We cannot live our life like this. So we must take charge of your life. Just take charge of your time, your emotions, your relationships, and then you will see that everything will start going in a smooth way. That's what I have done today and that's what I am doing from the past 3-4 days and I cannot tell you what I am feeling right now. I am just feeling wow. So start loving yourself and keep moving forward. और ये देखिए आज हम क्या खरीद कर लाए हैं। ये गर्मियों में मिलने वाला एक फल है जो कि झारखंड और बिहार में स्पेशली मिलता है, इसे बेल कहते हैं और आज हम बेल का शरबत बनाने वाले हैं। मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत 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 ज़्यादा हेल्दी है और अभी मैं इसके पल्प को निकाल रही हूँ और ये बस मेरा पल्प निकल ही गया है और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 2 ग्लास पानी और थोड़ा सा इसमें शुगर भी ऐड करूँगी और उसके बाद बनाऊँगी अपने लिए बहुत ही टेस्टी जूस। और मैं आपको बता रही हूँ ये पीने में बहुत टेस्टी होता है। शादी से पहले मैं बेल का शरबत रेयरली पीती थी, लेकिन जब मेरी शादी हो गई और जब मैं गांव में रहती थी तो वहां पर बहुत सारा बेल आता था, तो उस समय हमारा एक रूटीन हो गया था कि लास्ट ईयर समर में मैंने लगभग हर दिन बेल का शरबत पिया है। तो अब जब मैंने रांची में इसे देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मुझे लगा कि मुझे इसे परचेज़ करना चाहिए और इसका शरबत पीना चाहिए। और ये देखिए शरबत कितना परफेक्ट बना है और कितना टेस्टी है देखने में भी। ये एक बेल मुझे 50 रुपीज़ का मिला है और वहाँ पर जो भैया बेच रहे थे वो 20 रुपीज़ पर ग्लासेस का शरबत बेच रहे थे और मैं अभी पूरे प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि देखिए आधे बेल से ही मैंने 4 ग्लास शरबत बना लिया था और अभी आधा हमारे पास बाकी है। तो समझ लीजिए एक बेल से हम 8 ग्लास शरबत आराम से बना सकते हैं। इसके बाद मैं नाश्ता करने जा रही थी और आज मैं नाश्ते में खा रही हूँ दही रोटी और सब्ज़ी। और मैं आपको बता दूँ कि सर्दी होने की वजह से मैं बहुत दिनों से दही नहीं खा रही थी, लेकिन आज दही खाने में मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट आज मुझे सब कुछ करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और एक वीक पहले और आज में डिफरेंस यही है कि मैं ये सारे काम एक वीक पहले भी करती थी और आज भी कर रही हूँ, लेकिन आज जब कर रही हूँ बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। आज जब कर रही हूँ उसी काम को तो खुशी से कर रही हूँ, लेकिन एक वीक पहले जब मैं इसी काम को करती थी तो टेंशन में करती थी। एंड योर हैप्पीनेस मैटर्स द मोस्ट। और मैं आपको बताऊँ कि आज मैं मूवी देखते देखते सो गई थी और फिर उसके बाद नींद खुली तो मुझे लगा कि चलो ठीक है अब दूसरा काम करते हैं। और एक्चुअली बहुत सारी मेरे व्यूअर्स मेरे से पूछ रही थी कि दी आप इंग्लिश कहाँ से सीख रही हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि मूवीज़ जितना आपको हेल्प करेंगे इंग्लिश सीखने में, मुझे लगता नहीं है कि और भी दूसरी कोई चीज़ आपको उतनी ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके बाद अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा रूम अरेंज कर ले रही हूँ क्योंकि अभी मुझे टाइपिंग सीखने का मन कर रहा है। एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट टाइपिंग में हमेशा से रहा है और मैं चाह भी रही थी कि मैं टाइपिंग को सीखना जल्दी से शुरू कर दूँ, लेकिन
पिछले कुछ दिनों से डीमोटिवेटेड थी, तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि टाइपिंग सीख के ही क्या कर लेंगे और टाइपिंग की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है कि मुझे टाइपिंग आ जाए, तो फिर इसलिए स्टार्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी जो फीलिंग है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। अभी ऐसा फील कर रही हूँ कि इट्स ओके, अगर टाइपिंग की मुझे ज़रूरत लाइफ में नहीं भी पड़ेगी तो क्या हुआ, कुछ स्किल अपने लाइफ में मुझे ऐड करना चाहिए। तो बस इसीलिए अपने रूम को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास एक ही रूम है और जब आपके पास एक रूम होता है तो थोड़ा सा आपको बार बार रूम को क्लीन करना पड़ जाता है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर जाती हैं। तो बस अभी मैं यहाँ पर अपना लैपटॉप ऑन करने वाली हूँ और मैं आपको बता दूँ कि ये जो मेरा लैपटॉप है ये बहुत बहुत पुराना है। एक्चुअली ये मेरा लैपटॉप नहीं है, ये मेरे हस्बैंड का लैपटॉप है और ये लगभग 7-8 साल पुराना है। इसकी बैटरी बिल्कुल डेड है, तो इसलिए ये केवल इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। आपने मुझे अभी स्विच ऑन करते भी देखा होगा, पर कोई बात नहीं, अगर अब जब तक इससे मैं यूज़ कर सकती हूँ तब तक मैं कर ही लूँगी। एक्चुअली मैंने तो इसे बहुत यूज़ नहीं किया है, मेरे हस्बैंड ने ही इसे यूज़ किया है और अब मैं टाइपिंग सीखने में लग गई हूँ। लगभग 1 घंटे टाइपिंग प्रैक्टिस करूँगी और उसके बाद आपसे मिलूँगी। और एक और बात, लैपटॉप में जो भी आपको टाइम और डेट दिख रहा है आप उसे सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि उसमें टाइम और डेट दोनों गलत दिया हुआ है, क्योंकि लैपटॉप में मैंने टाइम और डेट सेट नहीं किया है। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ टाइपिंग करने के बाद। आज मैंने कीबोर्ड का फर्स्ट रो सीखा है और ये मैं ऑनलाइन सीख रही हूँ। ऑनलाइन एक टीचर हैं जो टाइपिंग सिखाते हैं, तो बस उन्हीं की वीडियोस देखकर मैं थोड़ा हेल्प लेकर टाइपिंग सीख ले रही हूँ। और इसके बाद शाम के 4 बज गए थे, 2:30 से लेकर 3:30 तक मैंने टाइपिंग प्रैक्टिस की है और 4 बजे से मुझे ट्यूशन भी पढ़ाना होता है। तो अभी मैं अपने स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ और एक्चुअली ये जो बीच में बैठी हुई लड़की है जो पिंक ड्रेस पहनी है वो बहुत प्यारी, बहुत क्यूट है। और आज मैं इसको डांट लगा रही थी इसलिए क्योंकि आज मैंने इसको जितना भी क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए दिया था ये सब उल्टा पुल्टा लिखकर लाई थी। और एक्चुअली कभी कभी मैं इसको ज़्यादा भी डांटती हूँ, क्योंकि जब मैं इसको ज़्यादा डांटती हूँ तो ये बहुत क्यूट लगती है। प्लीज़ आप इसको सीरियसली मत लीजिएगा। और अभी मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी और ट्यूशन पढ़ाने के बाद देखती हूँ, अगर कुछ मेरा पढ़ने का मन करेगा तो पढ़ लूँगी। ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैंने थोड़ी देर अपनी बहन से बात किया और साथ ही साथ अपने लिए चाय बना लिया है और अब मैं आ रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। और आज सुबह से मैंने CDP एक बार भी नहीं पढ़ी थी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर आज सुबह मैंने CDP नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, आज दिन का जो एंड है वो अच्छे से करते हैं। तो बस अभी CDP के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। आज मैं सॉल्व करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 7 जो कि ICT से रिलेटेड है। और क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरा तरीका ये है कि मैं क्या करती हूँ कि मैं क्वेश्चंस पहले सॉल्व करती हूँ और उसके बाद मैं आंसर मैच करती हूँ। जो क्वेश्चन मेरे गलत हो जाते हैं उनको मैं राउंड कर लेती हूँ, उनका एक्सप्लेनेशन 2 से 3 बार रीड कर लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट 10 डेज़ में दोबारा उसको एक बार रिवाइज़ कर सकूँ। क्योंकि अगर आप 2 बार रिवाइज़ कर लेते हैं CDP के क्वेश्चंस को तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पहले कहीं देखा था। तो KVS एग्ज़ाम के बाद मेरा इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि आपको CDP की बहुत 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 प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। क्योंकि इससे पहले मैंने भी कभी टीचिंग एग्ज़ाम नहीं दिया था, KVS मेरा फर्स्ट टीचिंग एग्ज़ाम है, तो मुझे भी पता नहीं था कि CDP के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग आते हैं। अगर आपने भी KVS PRT में का एग्ज़ाम दिया है तो आपको भी पता होगा कि CDP के क्वेश्चंस कितने ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। क्वेश्चंस तो सारे इजी थे या फिर मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी थे, लेकिन अगर आप ऑप्शंस की बात करेंगे तो ऑप्शंस बहुत सटीक होते हैं। ऑप्शंस मार्क करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा गलत होगा, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इस बात का आइडिया मुझे पहले नहीं था क्योंकि मैंने CTET दिया था और CTET के बाद KVS का फॉर्म आ गया और फर्स्ट टीचिंग एग्ज़ाम मैंने KVS का ही दिया था। पर कोई बात नहीं, अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी उसको उसमें मैं इस बात का ध्यान बहुत ज़्यादा रखूँगी। और अभी शाम के 6:30 बज रहे थे और ये मेरी दीदी की बेटी है और इसके साथ मैं जा रही हूँ छत पे वॉक करने। और मैं आपको बता दूँ कि इस तरह का वीडियो शूट करने का आइडिया जो था वो मेरी दीदी की बेटी का था। मैं उसको कह भी रही थी
कि मैं कोई टीनेजर नहीं हूँ जो मैं इस तरह से वीडियो शूट करूँ, पर वो थोड़ा ज़िद करी थी, बोलती मौसी बहुत अच्छा आएगा ऐसे। तो कभी कभी हमें बच्चों की बात भी सुननी पड़ती है, और मेरी आदत यही है कि मैं बच्चों के साथ थोड़ा ज़्यादा घुल मिल जाती हूँ, तो ये मेरा प्लस पॉइंट है। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो, जैसे तुम बोलोगी वैसे मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ कि इसे शूट करना बहुत ईजी नहीं था। पहले तो जो सामने वाला आपको तार दिख रहा है वहाँ पर केवल कपड़े ही थे, तो सारे कपड़ों को हमने साइड में किया, फिर हमने कैमरा लगाया, और उसके बाद हमने ये भी मेक श्योर किया कि हम वॉक करते करते कैमरा से बाहर ना चले जाएं, तो ये थोड़ा टफ था आई थिंक। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोज़ के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।